हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न विद संजीव सिराना चैनल पे एक बार फिर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सब? ठीक। देखिए, अपने क्या कर रहे थे? टेंस कर रहे हैं इंग्लिश में। टेंस अपने पास्ट, लास्ट क्लास में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे थे। आज अपने थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर टेंस में चलते हैं। देखिए, टेंस में अपने तीसरे टाइप की बात करेंगे, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस सबको पता है किसकी बात करता है, भविष्य की बात करता है। किसकी बात करता है? भविष्य की बात करता है। और इसको भी अपने कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्यकाल। कहने का मतलब ये किसकी बात करेगा फिर? भविष्य की बात करता है, जो काम क्या होंगे? फ्यूचर में होंगे। जो काम कहां होंगे? फ्यूचर में होंगे। ओके, जो काम कहां होंगे? फ्यूचर में होंगे। अब देखिए, इसको भी अपने चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला क्या है? फ्यूचर सिंपल टेंस। फिर आएगा अपने पास दूसरा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फिर अपने तीसरे पे बात करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर नेक्स्ट पे बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। अब बात करते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं पहले फ्यूचर सिंपल टेंस से। ठीक है, वही बात, फ्यूचर सिंपल टेंस की पहले अपनी डेफिनेशन या इसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। फिर उसके बाद इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। अभी क्या कर रहे हैं, आपने देखा वो टेंस के पिछले वीडियोस में और अब आने वाले वीडियोस में भी, हमने अभी तक सिर्फ रूल्स के बारे में बात की। यूज कहां और कब कैसे होता है, इसका जब अपने थोड़ा आगे स्टेप्स में चलेंगे वहां सीखेंगे कि इनका वर्ब के अंदर यूज कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं। अब देखिए, अपनी बात करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस की। आज आराम से समझना, फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस की परिभाषा ये होगी, जो कार्य भविष्य में होने वाला है या जो कार्य हम भविष्य में करने वाले हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस कहते हैं। अब पहचान क्या होती है, देखिए, जिसके लास्ट में, जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी ऐसे शब्द आते हैं, गा, गे, गी ऐसे शब्द आते हैं या ऐसे अक्षर आते हैं, गा, गे, गी ऐसे अक्षर आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो फ्यूचर सिंपल टेंस के एग्जांपल्स होते हैं। आपको मैन मैन पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद रखनी है। जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी ऐसे अक्षर मिलते हैं, सॉरी सब लिख दिया मैंने, क्या होगा, ऐसे अक्षर आते हैं, वो फ्यूचर सिंपल टेंस के एग्जांपल्स होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया फर्स्ट, वह गाना गाएगा। देखो लास्ट में क्या रहे, गा, तो किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर की। वो काम अभी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम, मेरी माता भोजन पकाएगी। देखो वही वर्ड आ रहा है ना, गी। फिर मैं लिखूंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। देखो लास्ट में वही आ रहे हैं, मैं खाना खाऊंगा, गा, गी, गे, ठीक है। हम खेलेंगे, हम खेलेंगे, हम खेलेंगे। तो क्या आइडेंटिफाई है, जिसके लास्ट में गा, गी, गे ऐसे शब्द आ रहे हैं, वो कौन से एग्जांपल्स कहलाते हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस के एग्जांपल्स कहलाते हैं। थोड़ी चीजें यहां पे रिपीट करता हूं, स्टार लगा के लिखना। यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल और शैल का प्रयोग करते हैं, विल और शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, विल और सेल का प्रयोग करते हैं। तथा इनके साथ, इनके साथ मतलब विल सेल के साथ, तथा विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। याद रखना, विल सेल के साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हम यहां, हम
हैप्पी वर्किंग विल सेल का प्रयोग करते हैं, और तथा विल सेल के साथ क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो उसके बाद बात करते हैं यहां आई तथा वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। आई तथा वी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, सेल का प्रयोग किया जाता है। आई तथा वी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, सेल का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो भी बच गए ही सी इट दे इन सभी के साथ ही सी इट दे या कोई नेम, इन सभी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। याद रखना ही सी इट दे या कोई नेम इन सभी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। छोटी छोटी बातें हमें याद रहनी चाहिए, रिपीट कर रहा हूं। फ्यूचर टेंस भविष्य की बात करेगा, इसमें हम चार प्रकार से डिवाइड करेंगे, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर हम किसकी बात करें, फ्यूचर सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं, जो भविष्य में तुरंत होने वाले कार्य को बताएगा, जिसके लास्ट में हमें गा गे गी ऐसे अक्षर मिलेंगे। वो किसके एग्जाम्पल होंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस के एग्जाम्पल होंगे। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, हम खेलेंगे, हम खाना खाएंगे, ठीक है, मेरी माता भोजन पकाएगी, वह ये काम करेगा, वो ये काम नहीं करेगा, लास्ट में गा गेगी, ऐसे अच्छा रह रहे हैं। उसी प्रकार देखिए कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसका यूज करेंगे, विल सेल का प्रयोग करते हैं, और विल सेल के साथ क्या आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसी प्रकार आई तथा वी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, सेल का प्रयोग किया जाता है, और ही सी दे या कोई नेम के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। आप इसको एक बार नोट कीजिए, फिर अपने आगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव के रूल्स और कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखिए आपने वो अभी जस्ट बेसिक बातें की थी, हमने नोट कर लिया होगा सभी ने। थोड़ा आगे बढ़ते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस में। अपने देखिए अपने किसकी बात कर रहे हैं, अभी जस्ट फ्यूचर सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस में हमने पढ़ा था अभी जस्ट कि जिसके लास्ट में गा गेगी ऐसे अक्षर आते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, ठीक है। अब देखो इसके पहला लेके चलते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला पार्ट कौन सा होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। फिर उसी तरह से जैसे अपने लास्ट करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा इसका, जिसमें नॉट लगता है। फिर इसका थर्ड टाइप कौन सा बनेगा, इंटरोगेटिव का बनेगा। फिर बनेगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये चार प्रकार से अपने हर सेंटेंस में करते आ रहे हैं। अब देखो इसका रूल क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बेसिक रूल तो अपना यही होता है। तो यहां देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल या सेल में से कोई एक, प्लस में क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या रूल बना, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अब नेगेटिव बना रहे हैं, हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट तो रहेगा अपने पास, प्लस में विल सेल में से कोई एक, प्लस में क्या आ जाएगा नॉट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। देखो रूल वही चल रहे हैं अपने, सिर्फ नॉट लगाया। अब देखो इंटरोगेटिव दो प्रकार से, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या WH वर्ड से होता है। क्या कब क्यों ऐसे वर्ड पहले आ रहे हैं तो अपने हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, नहीं तो अपने क्या लगा देंगे WH वर्ड लगा देंगे, ठीक है। तो देखो इन विल सेल को पहले ले लेंगे अपने, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगर क्यों कहां कब ऐसे शब्द बीच में आए हैं तो WH वर्ड पहले लगा देंगे, बाकी रूल अपना क्या रहेगा सारा सेम रहेगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए अगर WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होने के लिए अपने को बोल रहा है और क्या क्यों का भी एक वर्ड बीच में आ रहे हैं तो WH वर्ड से पहले आ जाएगा, रूल अपना क्या रहेगा सारा सेम रहेगा। उसी तरह से नेगेटिव में क्या करना है, देखो विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या लगा देंगे नोट, प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में क्या लगा देंगे ऑब्जेक्ट, प्लस में क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, बस इसी को करना था। और WH वर्ड में भी इंटरोगेटिव बन सकता है, और इसको अपने दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, विल के साथ नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट, देखो कैसे विल नॉट सेल नॉट प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में क्या आ जाएगा क्वेश्चन में, एक बार देखिए फिर। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस के अपन चार रूल कर चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट नेगेटिव के लिए, इंटरोगेटिव तो विल सेल पहले आ जाएगा, इसका अपोजिट कर दो आगे पीछे का, फिर नॉट अपने अपना यहाँ पे आ जाएगा, बाकी रूल के अपने जो अपने करते हैं वो चल रहे हैं। फिर देखिए एग्जाम्पल, फर्स्ट मेरी माता भोजन पकाएगी, ये एग्जाम्पल कर रहे हैं अपने, ठीक है, ये काम होने वाला है तो कैसे करेंगे, देखो सब्जेक्ट चाहिए तो माई मदर, तो आई भी उधर सेल लगाते हैं, उसके बाद क्या लगा देंगे विल, पकाना मतलब कुक, क्या पका रहे हैं भोजन, तो क्या आ जाएगा फूड, तो क्या आंसर बना माई मदर विल कुक फूड, पे अगर इसको नेगेटिव बनाऊं कि मेरी माता भोजन नहीं पकाएगी तो क्या बनेगा, देखिए मेरी माता भोजन नहीं पकाएगी तो क्या बना, देखो माई मदर, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा विल, अब नेगेटिव की बात करें तो क्या आ जाएगा नॉट, फिर क्या आ जाएगा कुक, फिर क्या आ जाएगा फूड, तो आंसर क्या बना माई मदर विल नॉट कुक फूड। बस एक बार हमें ये रूल्स पढ़ने हैं, फिर थोड़ा सा हिंदी में स्टेटमेंट देखना है, फिर उनको यूज करते हुए हम क्या करते हैं इनके इंग्लिश में सेंटेंसेस कवर अप कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट ऐसे लिखूं मैं, क्या मेरी माता भोजन पकाएगी, फिर क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, देखो क्या वर्ड पहले आ रहा है, क्या वर्ड क्या रहा है पहले आ रहा है, मतलब इंटरोगेटिव कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब क्या, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा विल, फिर क्या चाहिए सब्जेक्ट माई मदर, देखो इसी सेंटेंस को मैं लेके चल रहा हूं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी कुक, फिर क्या आ जाएगा फूड, फिर क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, देखो क्या आंसर बना, क्या मेरी माता भोजन पकाएगी, तो विल माई मदर कुक फूड। फिर नेक्स्ट बनाते हैं, मेरी माता भोजन क्यों पकाएगी, अगर मैं ऐसे बोलूं मेरी माता भोजन क्यों पकाएगी, देखो क्यों वर्ड के बाद बीच में आ रहा है तो इंटरोगेटिव, लेकिन है किसका, डब्ल्यू एच वर्ड का, तो क्यों का क्या बोलते हैं वाई, देखो बस इतना सा वाई आप पहले लगा दो, बाकी जो ऊपर इंटरोगेटिव बनाया सेम वही रहेगा, आपने वाई लगा दिया बाकी जो रूल अपने ऊपर करके हैं सेम वही रहेगा, तो वाई विल, तो वाई के बाद क्या लगा देंगे विल, फिर माई मदर, फिर क्या आ जाएगा कुक, फिर क्या आ जाएगा फूड, फिर क्या लगा देंगे अपने क्वेश्चन, देखो क्या किया हमने एक सेंटेंस को लेके इनकी सभी को अलग अलग चेंज में किया और फिर अपने क्या करते हैं कि इंग्लिश में कवर अप कर लेते हैं। तो आज अपने फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में बात कर चुके हैं, तो कल की क्लास में अपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।